तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने टारगेट ले लिया, गोल ले लिया, जगह आपने अपने ऊपर ही काम नहीं किया, कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को ही नहीं बदला, अपने आप को ही चेंज नहीं करा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते एक बीज को मिट्टी में अपने आप को मिटाना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। क्या सही कह रहा हूं? यस और नो? दूध को अपने आप को हाईएस्ट टेम्परेचर पे उबालना पड़ता है घी बनने के लिए। लकड़ी को अपने ऊपर आरी को चलवाना पड़ता है एक अच्छा सा पोडियम और टेबल बनने के लिए। पत्थर को अपने ऊपर छेनी और हथौड़ी को चलवाना पड़ता है एक मूर्ति बनने के लिए। एक कपड़े को अपने ऊपर कैंची और नीडल्स को चलवाना पड़ता है एक सुंदर सा सूट बनने के लिए। यस और नो? तो ऐसे ही अगर आप अपना बेस्ट वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। आई टेल यू, आपको मैं बता दूं, आप हमें, आपको अपनी वैल्यूज पे ध्यान देना है, अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। लेकिन लोग करते क्या है, उसके उलट टीम को सिखाना चाहते हैं, टीम को बदलना चाहते हैं। सर, टीम को बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते। टीम को इंप्रूव करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा बदलो। आपको हर महीने अब पिछले महीने से ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आनी है। आपको थोड़ा थोड़ा बदलना है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा थोड़ा बदलना है आपको। अगर आप बहुत जबरदस्त वाली ग्रोथ अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं तो नहीं, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जहां थे वहीं रहेंगे। अब देखो, हम क्या चाहते हैं, हमारी आमदनी बढ़े। बहुत कोशिश करें, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, अगर कुछ नहीं कमा रहे ना, तो आप अपनी इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान दो। अगर 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो आप अपनी इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान दो, सेल्फ वैल्यूडेशन की ओर ध्यान दो। 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान दो। 50,000 कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपया कमाना चाहते हैं, तो अपनी इंप्रूवमेंट की ओर आपको ध्यान देना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन हम सिर्फ सोचते ही हैं, करते कुछ नहीं। देखो, तीन दोस्त थे, सेम डिग्री, सेम कॉलेज से पास आउट, सेम कंपनी में जॉब मिली, और 10 साल के बाद पहला दोस्त 50,000 महीना कमा रहा है, दूसरा दोस्त 1,00,000 महीना कमा रहा है, तीसरा दोस्त 1,50,000 महीना कमा रहा है। काम तीनों 8 घंटे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, 1,50,000 वाले ने क्या करा, 1,50,000 वाले ने क्या करा, 50,000 वाले ने क्या करा, कुछ नहीं करी। 50,000 वाले ने नहीं करी, 1,50,000 वाले ने करी। और ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम ये रोना रोते रहते हैं, मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को इतने साल हो गए। मैं एक मीटिंग में गया था कि भाई साहब आ गए मेरे पास, कहते सर 5 साल हो गए। मैंने कहा चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे को धीरे भी सुनता है। मैंने कहा पहले मेरे को आवाज थोड़ी नीची करिए, 5 साल हो गए, इतनी भी नीची नहीं, थोड़ी और। कहते 5 साल हो गए। मैंने कहा बोलिए भाई। सर 5 सालों में कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं आई, डेजिनेशन भी चेंज नहीं हुआ, अभी सिल्वर ही हूं, चेक भी नहीं चेंज हुए, ये भी नहीं चेंज हुआ, वो नहीं, बड़ा बोला।
मैंने कहा जब तेरा ख़त्म हो जाए मेरे को बता देना। उस वक्त ख़त्म हुआ, फिर मैंने कहा मैं बोलूँ? कहते हाँ। मैंने कहा चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसके आंसर यस और नो में देने हैं। कहता ठीक है। मैंने कहा चलो मेरे क्वेश्चन थोड़े हार्श होंगे, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं, उसको पूछा। कहता नहीं, अगर वो कहता यस फिर मैंने कहा निकलो, 5 साल और लगा के आओ। अगर तू कहता जी हाँ मैं सुनने को तैयार हूं, हाँ मैं माइंड नहीं करूंगा। मैंने उसको बोला, पूछा उसको, लेट अस सपोज ये भाई साहब हैं, ये तो बहुत अच्छे वैसे पूछे। मैंने उनको कहा मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ही जवाब दूंगा, भाई साहब ऐसे खड़े करे हैं। मैंने उनको बोला रोज की कितनी मीटिंग करते हो? कहता कोई नहीं। मैंने कहा पिछले हफ्ते कितनी प्रमोशन करी? कोई नहीं। कितने लोगों के कैंप लिए? कोई नहीं। कितने लोगों को इनवाइट करा? कोई नहीं। कितने लोगों को ट्रेन करा? कोई नहीं। कभी आपने इनको कॉल करा? नहीं। कभी टीम को कॉल करा? नहीं। मैंने कहा तू कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसे तो 20 साल लगा रहे। मैंने कहा तेरा वही कोट पैंट, वही तेरा स्टाइल, वही तेरा बात करने का तरीका, ना तूने इनविटेशन पे काम किया, ना तूने फॉलोअप पे काम किया, ना तूने प्रेजेंटेशन पे काम किया, ना तूने डेली वर्किंग पे काम किया, ना तूने अपने गुस्से को ठीक करा, ना तूने अपनी नाराजगी को ठीक करा, ना तूने अपनी टीम के साथ दिन रात एक करा, ना तू घर से जल्दी निकला, ना तू GVF BF खेलना बंद करा। कहता आपको कैसे पता? मैंने कहा आते जाते हम सबकी खबर रखते हैं, नाम गुरिंदर सिंह है मेरा। थैंक यू सर। तो फिर कहता सर मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा काम चलता नहीं होता, चलाना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता। कोई चेयर है आपके पास? वो चेयर पकड़ने इनको एक जादू करके दिखाते हैं। चेयर पकड़ी एक बार, जादू जादू खेलते हैं थोड़ा। जादूगर हो जादूगर। हाँ जी, कौन जादू दिखाने आएगा? आप आ जाओ, जादूगर से लग रहे हो आप भी। हाँ, बैठो बैठो। अब जादू होने लगा। ये बंदा है, इसको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। इसको क्या करना है? अपनी चेयर को उठाना है। लेकिन मेरी बात सुन लो पहले, खुद नहीं उठना है, चेयर को उठाना है। उठाओ उठाओ चेयर को, खुद नहीं उठना है, चेयर उठानी, उठाओ उठाओ उठाओ, खुद नहीं उठना है। काम को उठाना है लेकिन खुद नहीं उठना है। प्रमोशन उठानी है, खुद नहीं उठना है। बीवी उठाना है, खुद नहीं उठना है। उठाओ। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम उठाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन खुद कम वक्त नहीं उठना चाहते। यही हमारी प्रॉब्लम है। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट ख्याल पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाथ जादूगर। काम उठाना चाहते हो, खुद को उठाए बिना भूल जाइए। खुद को काम उठाना है ना, पहले खुद उठिए, खुद मार्केट में निकलिए, खुद प्रमोशन करिए, खुद काम करिए, खुद मेहनत करिए। अगर मैं भी घर में कहता सब मैं जूम में मीटिंग कर दूंगा, रजाई में बैठा बैठा उठ के आया हूं। कूके उठ गया, उठा नहीं उठी ना। अब बताओ काम को उठाने के लिए क्या करना होगा? खुद को उठना पड़ेगा। काम को उठाने के लिए, काम को उठाने के लिए क्या करना होगा? काम को उठाने के लिए क्या करना होगा? काम को उठाने के लिए क्या करना होगा? अब चेयर को उठाने के लिए खुद उठना होगा। जाओ ले जाओ।